वैसे डेड बॉडी यहाँ पे बहुत सारी डेड आज से कई दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करा था डिस्टर्बिंग फोटोज विद क्रीपी बैक स्टोरीज। ये उसी का सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ फोटोग्राफ्स को दिखाऊंगा। कुछ फोटोज ऐसी होंगी जिनको देखकर तुम्हें स्ट्रेट अप वो क्रीपी की डिस्टर्बिंग वाइब्स आएंगी, एंड कुछ फोटोज ऐसी होंगी जो देखने में बिल्कुल नॉर्मल होंगी, उनको देख के समझ नहीं आएगा कि क्या है एक्चुअली ये फोटो। बट एक सिमिलैरिटी जो इन सभी फोटोज में होगी वो ये है कि इन सभी फोटोज के पीछे एक बहुत ही क्रीपी एंड डरावनी बैक स्टोरी छुपी हुई है। अलम्बा का एंड इन फोटोज के पीछे की इस कहानी को जानने के बाद तुम्हें समझ आएगा कि इन फोटोज का क्या मीनिंग था एंड इनमें कितना डरावना मीनिंग एक्चुअली छुपा हुआ था। बट आगे बढ़ने से पहले मैं बस इतना रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर तुम्हें इसी तरह के डार्क डिस्टर्बिंग एंड हॉरर टॉपिक्स पसंद है, ऐसी वीडियोस तुम्हें देखना पसंद है, देन चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फ्यूचर में तुम्हें ऐसा ही कॉन्टेंट इस चैनल पर मिलने वाला है। दैट्स इट, एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डिलेस लेट्स गेट इनटू टुडेज़ टॉपिक। इन सभी फोटोज को ध्यान से देखो। What comes to your mind when you look at these photos? Well, देखने पर ये सभी फोटोज सिमिलर लगती हैं, बट फॉर सम रीजन ये फोटोज नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं लगती। हर फोटो इक्वली क्रीपी लगती है। इफ यू लुक एट ईच एंड एवरी फोटो, हर फोटो में तुम्हें क्रीपी ह्यूमन लाइक फिगर दिखेगा। इस ह्यूमन सब्जेक्ट को देख के लगता है कि ये किसी तरह का हैलोवीन डेकोरेशन है, कोई प्रॉप या कोई पपेट है जिसके साथ लोग भी खड़े होकर पोज कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम इन फोटोज से काफ़ी ज़्यादा क्रीपी वाइब्स आती हैं। ऐसा लगता है कि कुछ तो बहुत अजीब चल रहा है। और इन सभी फ़ोटोज़ को देख के दिमाग में बस एक ही सवाल आता है, व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड दीज फोटोज़। अगर तुम लोगों ने अभी तक इस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं किया है, देन लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर। ये जितने भी फोटोज मैंने तुम्हें अभी दिखाई है, इनके पीछे एक बहुत ही क्रीपी एंड डरावनी कहानी है जो शायद तुम लोगों को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल कर देगी। इन सभी फोटोज के पीछे की कहानी को जानने के लिए हमें इंडोनेशिया के सुलावेसी आइलैंड्स में जाना पड़ेगा। साउथ सुलावेसी के जितने भी माउंटेनियस रीजन्स हैं, जितने भी पहाड़ी रीजन्स हैं, उन रीजन्स में एक बहुत ही इंडिजिनस ट्राइबल कम्युनिटी रहती है कॉल्ड द तोराजा ट्राइब। ये ट्राइबल कम्युनिटी उन रीजन्स में कई सालों से, इनफैक्ट कई सेंचुरी से रहती आ रही है, और इस ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों को तोराजंस भी कहते हैं। तुम्हें ये चीज़ तो पता ही होगा कि इस पूरे दुनिया में हर जगह इस तरह के कई सारे इंडिजिनस ट्राइबल कम्युनिटीज रहते हैं, और हर ट्राइबल कम्युनिटी की तरह तोराजंस की भी अपनी खुद की कुछ बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही स्पेसिफिक बिलीव्स हैं। इनकी खुद की कुछ स्पिरिचुअल बिलीव्स हैं जो बाकी दुनिया से बहुत ज़्यादा अलग है। अपनी इन्हीं सारी बिलीव्स के बेसिस पे ये ट्राइबल कम्युनिटी कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस, ऐसे फेस्टिवल्स एंड रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं जो इनके लिए तो एक बहुत ही नॉर्मल एंड मज़ेदार सेलिब्रेशन होता है, बट बाहर की दुनिया के लिए ये किसी कल्ट लाइक रिचुअल से कम नहीं। मैं तुम्हें सबसे पहले तोराजन लोगों के बिलीव्स के बारे में बताता हूँ जो तुम्हारे होश उड़ा देगा। इन लोगों का मानना है कि तोराजा ट्राइब में जब किसी एक फैमिली में एक फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाती है, तो एक्चुअली में वो फैमिली मेम्बर मरता नहीं है, उसकी लाइफ वहाँ पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि उसकी जो बॉडी होती है वो बीमार हो जाती है, वो सिक हो जाती है। सो बेसिकली डेड फैमिली मेम्बर्स आर जस्ट कंसिडर्ड सिक इन दिस फैमिलीज। तो आगे चल के उस डेड फैमिली मेम्बर के साथ वो ऐसा ही ट्रीट करते हैं जैसा तुम किसी बीमार इंसान के साथ ट्रीट करोगे। उस डेड बॉडी का सीधा फ्यूनरल करने के बजाय वो लोग अपने फैमिली मेम्बर के डेड बॉडी को अपने ही घर पे रखते हैं। उस डेड बॉडी को वो लोग खाना पानी ऑफर करते हैं, उसको साफ करके नए कपड़े पहनाते हैं,
एंड इवन उसका ख्याल रखते हैं, उसकी सेवा करते हैं एंड दिन में उससे बातें भी करते हैं। ये सब ऑलरेडी सुन के थोड़ा क्रीपी लगता है कि लोग डेड बॉडी के साथ बातें कर रहे हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बट द एंटायर थिंग गेट्स इवन मोर क्रीपियर जब तुम्हें ये पता चलेगा कि इन डेड बॉडीज को वो अपने घर में बस कुछ दिनों के लिए नहीं, कभी कभार कुछ वीक्स के लिए, कभी कभार मंथ्स के लिए एंड कभी कभार कुछ सालों के लिए अपने घर पे रखते हैं, इवन एक्सटेंडिंग अप टू 20 to 30 years। कैन यू इमेजिन एक डेड बॉडी को, एक रॉटन डिकम्पोजिंग डेड बॉडी को जो कि तुम्हारे खुद के फैमिली मेम्बर की होगी, उसको वो लोग 20-30 साल तक अपने घर में रखते हैं, उससे बातें करते हैं एंड वही सेम घर में वो लोग रहते हैं जहाँ पे एक डेड बॉडी भी है। फाइनली एक डेड बॉडी को इतने सालों तक अपने घर में रखने के बाद जब इन फैमिली मेम्बर्स के पास अच्छे खासे पैसे सेव हो जाते हैं तो वो लोग एक बहुत ही ग्रैंड एंड बहुत ही एक्सपेंसिव फ्यूनरल प्लान करते हैं अपने डेड फैमिली मेम्बर के लिए। इस फ्यूनरल को वो लोग रामबू सोलो कहते हैं। उस डेड बॉडी को फिर से साफ करके अच्छे कपड़े पहनाकर एक कॉफिन में डाला जाता है एंड उनके विलेज के कुछ माउंटेन केव्स हैं उसके अंदर सारे फैमिलीज के जितने भी डेड मेम्बर्स हैं उनके कॉफिन्स को बल्क में रख दिया जाता है। चलो एट लास्ट आफ्टर ऑल दिस फाइनली इन लोगों ने एक फ्यूनरल करा के उस डेड बॉडी को एक कॉफिन में तो रख दिया एंड एवरीथिंग एंड्स हियर, राइट? वेल, अब तक अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है देन लेट मी टेल यू दैट द स्टोरी डज नॉट एंड हियर। अभी तक तो वो रिचुअल आया भी नहीं है जिसकी मैं बात करने वाला हूँ। अब टर्न आता है उस रिचुअल की या फिर उस प्रैक्टिस की जिसकी मैं बात कर रहा था। इस ट्राइबल कम्युनिटी के बीच हर 3 साल में एक बार अगस्त के महीने में इस रिचुअल को परफॉर्म किया जाता है। जिन फैमिली मेंबर्स के डेड बॉडीज को ये ट्राइबल कम्युनिटी केव्स में रख चुकी थी फिर से उन्हीं सारे डेड बॉडीज को कॉफिन में से बाहर निकाला जाता है। Your father, yeah? उन डेड बॉडीज को फिर से साफ करके नए कपड़े पहनाए जाते हैं और उनके साथ फिर से बातें होती हैं, फिर से उनको खाना पानी ऑफर किया जाता है, उनको कुछ स्पेशल चीज़ें ऑफर की जाती है जैसे कि मिठाइयाँ, सिगरेट्स एंड ऑल। एंड ये एक पूरे रिचुअल का पार्ट है जो कि वो लोग अपने एंसेस्टर्स से एंड अपने जितने भी मरे हुए डेड मेंबर्स हैं उनके रेस्पेक्ट के लिए करते हैं। इस पूरे रिचुअल को माने इन्हें रिचुअल कहा जाता है जो कि ये ट्राइबल कम्युनिटी के सारे फैमिली सेलिब्रेट करते हैं। ये कैसा रिचुअल है जो ये ट्राइबल कम्युनिटी बरसों से सेलिब्रेट करती हुई आ रही है एंड आज के मॉडर्न टाइम्स में विद द अवेलेबिलिटी ऑफ कैमरास एंड फोन इस रिचुअल को करते वक्त फैमिली मेंबर्स अपने वही डेड फैमिली मेंबर के बॉडी के साथ खड़े होके पोज करके उसके साथ फोटोग्राफ्स भी खिंचाती है। स्टार्टिंग से लेके अभी तक मैंने तुम्हें जितनी भी स्कैरी लुकिंग डरावनी फोटोग्राफ्स को दिखाई थी वो इसी क्रीपी माने ने रिचुअल की फोटोग्राफ्स थी। अब तो तुम्हें क्लियरली पता चल गया होगा कि इन फोटोज में जो ह्यूमन लाइक सब्जेक्ट था वो कोई हैलोवीन का प्रॉप नहीं था बट इट वॉज एन एक्चुअल रॉटिंग एंड डिकम्पोजिंग ह्यूमन डेड बॉडी। इन लोगों की जो भी बिलीव्स है उसको मैं किसी भी तरह से डिसरेस्पेक्ट करना तो नहीं चाहता बट एट द सेम टाइम जब मैं इन फोटोज को देखता हूँ, उन डेड बॉडीज को देखता हूँ तो कहीं ना कहीं वो क्रीपी एंड ईरी फीलिंग तो आती ही है। कुछ कुछ डेड बॉडीज तो इतनी ज्यादा रॉटन एंड डिकम्पोज हो चुकी होती है कि उनको देख के ही डर लगता है एंड कुछ डेड बॉडीज तो स्ट्रेट अप स्केलेटन बन चुकी होती है बट स्टिल ये लोग इतने कंफर्टेबली उसके साथ खड़े होकर फोटोज खिंचाते हैं, वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे अनकंफर्टेबल फील कराती है। एट द एंड जब भी मैं इस पूरे रिचुअल के बारे में सोचता हूँ, डीलिंग विद डेड बॉडीज ऑफ योर ओन फैमिली मेंबर्स, चाहे कोई कुछ भी बोले, मेरे लिए ये पूरी चीज बहुत ज्यादा क्रीपी है एंड नो वन कैन डिनाई दिस फैक्ट दैट द फोटोज ऑफ मानने रिचुअल
आर डिस्टर्बिंग। क्रिमिनल ट्रेसपासिंग एक ऐसा क्राइम जिसमें तुम एक इंसान के परमिशन के बिना उसके प्रॉपर्टी में, उसके घर के अंदर जबरदस्ती या फिर चोरी छुपे घुस जाते हो। बिलिंग्स हाइट्स मोंटाना में एक इसी तरह के क्रिमिनल ट्रेसपासिंग का केस होता है। वहाँ के लोकल पुलिस डिपार्टमेंट को एक लेडी की तरफ से कॉल आता है। ये लेडी कॉल पे पुलिस से ये कहती है कि उसके घर में अपने इन्फेंट बेबी डॉटर के रूम में उसने एक स्ट्रेंजर को, एक इंट्रूडर को देखा एंड इसलिए वो डर के अपने बेबी को लेकर के घर से बाहर निकल गई। बट वो आदमी अभी भी उनके घर के अंदर छुपा हुआ है। पुलिस इस कॉल के बाद तुरंत ही उस लेडी के एड्रेस पे पहुंचती है एंड वहाँ उसके पूरे घर को एंड इनफैक्ट उस पूरे नेबरहुड को अच्छे से सर्च करती है, बट वो इंट्रूडर कहीं भी नहीं मिलता। इस इंसिडेंट के कुछ ही दिनों बाद लोकल पुलिस पब्लिक अवेयरनेस के लिए, उनका एक फेसबुक पेज था, ऑफिशियल फेसबुक पेज पर इस पूरे इंसिडेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए एक फेसबुक पोस्ट डालती है एंड अलोंग विद दिस पोस्ट पुलिस डिपार्टमेंट वहाँ पे उस पोस्ट के जस्ट नीचे एक फोटोग्राफ को भी अटैच करती है। इस फेसबुक पोस्ट पे लिखा था कि एक लेडी ने उस दिन अपने घर में लगे बेबी मॉनिटर के थ्रू अपने इन्फेंट डॉटर के बेडरूम में एक अननोन मेल सब्जेक्ट को देखा था। वो लेडी फिर तुरंत अपने डॉटर के रूम में जाके उसको वहाँ से लेकर के घर से बाहर निकल गई। फिर उसने पुलिस को बुलाया पर सर्च करने के बाद भी वो इंट्रूडर नहीं मिला। उस लेडी ने बोला कि वो बेबी मॉनिटर उसके फ़ोन से सिंक्ड है और उस मॉनिटर का जो कैमरा है वो मोशन एक्टिवेशन से काम करता है। जब भी रूम में कोई हलचल होती है तो एक फ़ोटो क्लिक करता है और सीधा एक अलर्ट नोटिफिकेशन के साथ उस फोटो को उस लेडी के फ़ोन में भेज देता है। उस दिन भी जब उनके फ़ोन में बेबी मॉनिटर से एक अलर्ट नोटिफिकेशन आया और एक साथ में अटैच्ड फ़ोटो भी आया तो उन्हें लगा कि शायद उनका बच्चा उठ गया है और वो रूम में मूव कर रहा है जिस वजह से फोटो क्लिक हुआ होगा। बट एक्चुअल में जब उन्होंने उस फोटो को देखा तो उनकी होश उड़ गए। दिस वॉज द फोटो दैट वॉज कैप्चर्ड इन द बेबी मॉनिटर। ए कम्प्लीट स्ट्रेंजर वॉज कैप्चर्ड इन द कैमरा जो कि उस बेबी के रूम में वहाँ पे मूव कर रहा था। पता नहीं वो कहाँ से घुसा था, वो वहाँ पे क्या करना चाहता था, उसके क्या इंटेंशंस थे, बट दिस मैन वॉज ओवर देयर इन हर डॉटर्स रूम। आज के डेट पे भी इस आदमी का कोई अता पता नहीं है। ही वॉज नेवर टू बी फाउंड अगेन। एंड आउट ऑफ ऑल द टाइप ऑफ हॉरर स्टोरीज मुझे ऐसी स्टोरीज पसंद है जिसमें खुद ह्यूमंस इन्वॉल्व हो, ऐसे क्रीपी बिहेवियर के साथ कोई क्रीपी ह्यूमन इन्वॉल्व हो, तो पता नहीं क्यों मुझे ज़्यादा डर लगता है। क्योंकि जस्ट इमेजिन तुम कभी कुछ देख रहे हो घर में बैठ के एंड तभी तुम्हारे इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं कि कहीं बेड के अंदर कोई छुपा तो नहीं है। एंड नाउ इमेजिन अगर तुम जाके चेक करो एंड सही में कोई स्ट्रेंजर छुपा हो, हाउ क्रीपी दैट वुड बी। एंड दैट्स द ओनली रीजन मुझे उन स्टोरी से ज़्यादा डर लगता है जिसमें ऐसे बैड इंटेंशंस वाले क्रीपी ह्यूमंस इन्वॉल्व हो। आज की जो हमारी अगली कहानी है वो एक बहुत ही नॉर्मल से इंसान की कहानी है, 34 साल के माइकल जनेरा की कहानी। माइकल नॉर्दर्न इटली में रहने वाला एक रेलवे वर्कर था और रेलवे ट्रैक्स की रिपेयरिंग एंड वेल्डिंग का काम करता था। उसे अपना ये काम बहुत ज़्यादा पसंद था, उसे ये काम करते हुए बहुत मज़ा आता था और इसीलिए अपने वर्क आवर्स के दौरान अपने काम को करते करते वो साथ ही में अपने वर्क के छोटे छोटे वीडियोज़ को बनाता था जिसको वो अपने पर्सनल टिकटॉक अकाउंट में पोस्ट किया करता था। अगर तुम माइकल के टिकटॉक पेज को भी जाके देखोगे तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एंड ऐसी वाइब्स आएगी कि बहुत अच्छा इंसान है जो अपने काम से काम रखता है एंड अपने वर्क के वीडियोस को पोस्ट करता है, साथ ही में कभी कभार कुछ अच्छे वीडियोस, कुछ अपने फोटोज एंड कभी कभार थोड़े बहुत मज़ेदार मीम्स भी। इट वॉज येट अनदर वेरी नॉर्मल टिकटॉक पेज ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन बींग। ये जो पूरा केस था, माइकल की जो पूरी कहानी थी एंड उसका जो टिकटॉक था, अब तक इसमें कुछ भी एबनॉर्मल या कुछ भी अजीब नहीं था। बट थिंग्स वर अबाउट टू चेंज। On the evening of 31st August 2023, Michael for the very first time अपने TikTok में एक बहुत ही अजीब से फोटोग्राफ को पोस्ट करता है। इस फोटोग्राफ को Michael ने काम के वक्त ही खींचा था। वैसे तो इस फोटो में कुछ ज़्यादा अजीब नहीं था,
लगता है कि काम के बीच में ऐसे ट्रैक्स की वेल्डिंग करते वक्त जो बीच में क्रैक्स हो जाते हैं उसमें उसे एक रेड क्रॉस जैसा कुछ दिखा जो उसे एक्साइटिंग लगा होगा, तो उसने उसका फोटो निकाल के उसको पोस्ट कर दिया। बट इस फोटो के साथ साथ वहां पे माइकल ने कैप्शन को भी लिखा था, विच वॉज एक्चुअली वेरी स्ट्रेंज। माइकल ने अपने नेटिव लैंग्वेज में इस कैप्शन में लिखा था कि काम करते वक्त ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है, मुझे क्रूसिफिक्स दिखा, ये शायद भगवान का भेजा हुआ कोई साइन है, शायद भगवान मुझसे कुछ कहना चाहता है। मैं भगवान से रोज पूजा करता था, मदद मांगता था, क्योंकि मेरी जिंदगी काफी सारी कठिनाइयों से गुजर रही थी और फाइनली शायद भगवान ने मेरी सुन ली। माइकल वॉज ए वेरी रिलीजियस पर्सन, वो भगवान में बहुत ज्यादा बिलीव करता था एंड थोड़े हार्ड टाइम में गुजरने के वजह से वो भगवान से कंटिन्यूसली बहुत ज्यादा मदद भी मांग रहा था। तो जैसे ही माइकल ने उस दिन काम के वक्त इस रेड क्रॉस को वहां पे देखा, माइकल ने इसको क्रूसिफिक्स समझ लिया। क्रूसिफिक्स अगर तुम्हें नहीं पता तो तुमने चर्च में देखा ही होगा कि क्रॉस साइन के साथ जीसस की हैंगिंग बॉडी होती है, तो उसको क्रूसिफिक्स कहते हैं। माइकल ओवरथिंक करने लगा कि ये जो रेड क्रॉस वहां पे फॉर्म हुआ था वो भगवान का दिया हुआ कोई साइन है, वो कोई मैसेज है और भगवान उससे कुछ तो कहना चाहते हैं। बट दिक्कत ये थी कि उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि भगवान उससे आखिर कहना क्या चाहते हैं, क्या साइन देना चाहते हैं, व्हाट वाज द मैसेज फ्रॉम गॉड। वेल, माइकल वाज कम्प्लीटली अनअवेयर कि उसका ये जो सवाल है, इस चीज का आंसर उसे 24 आवर्स के बाद ही यानी अगले ही दिन मिलने वाला था। माइकल के उस फोटो को और उस अजीबोगरीब कैप्शन को पोस्ट करने के एक दिन बाद ही यानी कि 1 सितंबर 2023 को नॉर्दर्न इटली में एक बहुत ही ट्रैजिक एक्सीडेंट होता है। Investigations underway after five railway workers were killed by a speeding train in northern Italy. They were working on replacing parts of the track at the Brandizzo station near Turin when the locomotive slammed into them. Two other members of the team were injured. रात का टाइम था और रेलवे वर्कर्स का एक ग्रुप रेलवे ट्रैक के ऊपर किसी तरह का काम कर रहा था। उनको कोई आइडिया नहीं था कि तभी एक ओवर स्पीडिंग ट्रेन 100 माइल्स पर आवर की स्पीड से उसी ट्रैक के ऊपर उनके तरफ आ गई। उस ट्रेन की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि इससे पहले कि वो वर्कर्स कुछ रिएक्ट कर पाते वो ट्रेन आकर के उनसे टकरा के चली जाती है एंड वो इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग था, इतना ज्यादा था कि कई वर्कर्स की बॉडी इवन हवा में 10-20 फीट ऊपर उड़ी थी। इट वॉज ए हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट और वहाँ काम कर रहे 7 वर्कर्स में से 5 वर्कर्स की डेथ हो जाती है। केविन लोगाना, गुसिपी सोविला, गुसिपी लंबाडो, गुसिपी अवेसा एंड 34 साल के माइकल जनेरा की भी वहाँ पे डेथ हो जाती है। इस इंसिडेंट के बाद माइकल ने जो फोटो पोस्ट किया था एंड साथ में जो अजीबोगरीब कैप्शन लिखा था, जो कि पहले काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंकिंग लगता था कि माइकल कुछ भी सोच रहा है, कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट अभी वो सभी चीज़ें सेंस बनाने लगी थी। माइकल वॉज वेरी कन्फ्यूज कि आखिर वो क्या साइन था, भगवान उसको क्या साइन दे रहा था, भगवान उसको क्या कहना चाहता था। बट मे बी एक्सीडेंट के बाद जो उसके फाइनल मोमेंट थे, जब वो आखिरी सांसें ले रहा था, तब वो समझ चुका था कि आखिर भगवान का क्या मैसेज था। जो रेड क्रॉस उसे वहां पे दिखा था, जो साइन दिखा था, वो शायद एक वार्निंग था। भगवान उसे एक वार्न कर रहा था कि कुछ बहुत ही डेंजरस वहां पे होने वाला है एंड एग्जैक्टली वही चीज एक दिन बाद वहां पे एक ट्रेजिक एक्सीडेंट की तरह हो भी जाती है। एट द एंड जब तुम माइकल के पूरे स्टोरी के बारे में सोचते हो, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग एंड वेरी सैड, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम तुम्हें ऐसा लगता है कि सारी डॉट्स कनेक्ट होती है एट द एंड। जो भी वो पोस्ट था, उसका जो कैप्शन था, माइकल का डरना था एंड उस साइन के बारे में ओवरथिंक करना था एंड अगले दिन उसी एरिया में उसी के आसपास उस एक्सीडेंट का हो जाना, एवरीथिंग वाज कहीं ना कहीं कनेक्टेड। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या ये सब बस माइकल का ओवरथिंकिंग था एंड एक बहुत ही वियर्ड कोइंसिडेंस था, या सही में इट वाज ए मैसेज फ्रॉम गॉड? So that's all for this video. I hope तुम्हें वीडियो डिस्टर्बिंग एंड डरावनी लगी होगी एंड तुम्हें मज़ा आया होगा। तुम्हें अगर ऐसी वीडियोस पसंद है, ऐसी डिस्टर्बिंग वियर्ड अजीबोगरीब हॉरर स्टोरीज पसंद है, क्राइम स्टोरीज पसंद है या फिर ऐसा डरावना कंटेंट इन जनरल पसंद है, देन तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि फ्यूचर में तुम्हें ऐसी वीडियोस इस चैनल में मिलने वाली है। एंड बाय द वे, अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया, अच्छा लगा, तो इसको सपोर्ट करने के लिए एक लाइक कर देना एंड तुम्हारा जो भी डिस्कशन हो, बात करने का मन हो, कुछ भी हो, कॉमेंट कर देना। मैं कॉमेंट में तुम्हें रिप्लाई देकर वहीं पर तुमसे बात करूंगा। बाकी मैं तुमसे एक और वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगा, बहुत सारा कॉन्टेंट प्लान है, जल्दी आने वाले हैं वीडियोस। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करते रहो एंड बाकी के कॉन्टेंट को देखते रहना। बाय बाय।